69,000 शिक्षक भर्ती लिस्ट रद्द किए जाने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजधानी लखनऊ में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं। योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, SCERT कार्यालय का घेराव कर सभी नई सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं और क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो का रुख कराते हैं। आप सर देख रहे हैं कि ये 2019 की भर्ती थी, 2020 में है, तभी से लिस्ट जो है काफी इसमें स्कैम था और जो स्कैम साबित हुआ लगभग चार साल में लगभग हमने 2.5 साल लगातार धरना दिया। 2.5 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी ने 68,000 की चयनित लिस्ट निकाली 2022 के इलेक्शन से पहले, लेकिन वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोर्ट में वो विचाराधीन था, सिंगल बेंच ने उसको खारिज करके फिर डबल बेंच में इसका ऑर्डर था। डबल बेंच ने अभी रिसेंट लगभग 10-15 दिन के अंदर अभी रिसेंट डबल बेंच का ऑर्डर आया और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने का टाइम देते हुए कहा कि एक नई लिस्ट तैयार की जाए जिसमें जो जिन बच्चों का संविधान द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण हो उसके तहत इनको गुणांक सहित उनको नई लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय को इसको सौंपना है। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से यही रिक्वेस्ट है कि हम 6800 शिक्षकों की नियुक्ति कर दें और कोर्ट में जो भी कैबिनेट है उसको दाखिल कर दें। आप की मीडिया के जरिए हम यही कहना चाहते हैं कि पीछे हमारे लगभग 4 सालों से हम तो बहुत पीड़ित है, अब समय माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद कानों तक बात चली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2-3 दिन पहले रिसेंट बैठक भी बुलाए, उसमें उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को जल्दी से जल्दी इसको सुलझा देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि हम सब धरना प्रदर्शन ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सबका समय ना लेते हुए इसको जल्दी से जल्दी इसका विस्तार करें। देखिए पहले मैं बता दूं अपने बारे में, परिचय मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले से मैं संगठ हूँ, संगठ से निषाद हूँ, मैं जिला गोरखपुर से आया और बाबा जी से बड़ा उम्मीद लेके आया। बाबा जी को हमारे लिए सब कुछ, ये गड़बड़ी जो अधिकारियों का हीला हवाली की गड़बड़ी और माननीय कोर्ट का आदेश को देखने के बाद जो निर्णय दिए हैं बड़े साफ निर्णय दिए हैं और 3 महीने के अंदर हमें मुक्ति प्रदान होने जा रही है, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों को मुझे एक प्रतिनिधि का भरोसा नहीं है, इसलिए हम सभी साथी और हमारे साथ लगा भी रहे हैं ताकि इस अधिकारियों को भरोसा नहीं है कि सबूत जारी करें नहीं करेंगे। आप बाबा जी वहाँ पाते रहेंगे, सबूत जारी कर दीजिए, लेकिन बाबा जी से बड़े अधिकारी हो नहीं जाएंगे। आप ही गलत सोच रहे हैं, अगर बाबा जी से बड़े अधिकारी अगर नहीं होते तो आज बाबा जी को ये दिन दे, बाबा जी के चरित्र पर कलंक लगना ये बहुत गौरव सम्मान की साथ हनन है। बाबा जी ऐसे नहीं हो सकते, अगर कहीं हुआ है और बाबा जी के साथ अगर इस तरह से चरित्र व्यवहार हो रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का गड़बड़ी है। और हम ये कहेंगे कि अधिकारी जी अधिकारियों से जो निवेदन है उसको, क्योंकि हम आते हैं बाबा जी, हम न्याय करेंगे और बाबा जी से देखिए हमारे और प्रतिनिधिमंडल लोग हैं ये बोले रहते रहे अपने आप का नेता बन रहे और ये गड़बड़ हमारी हक की बात सुनना पड़ेगा। भाई हमारा भी हक है, हम भी संवैधानिक है, हम भी ला जानता हूँ और हमने भी ला किया है, लेकिन अगर हमारे प्रतिनिधिमंडल लोग हमें रोक रहा है ये गलत है, क्योंकि हमने भी ला किया है और मैं संवैधानिक तरीके से बात कर रहा हूँ तो मुझे बात करने दिया जाए। तो मेरा मामला यही है, मैं माननीय जिसे कहूँगा कभी हमें प्रसिद्ध जारी करवा करके विद्यालय भेजा जाए और जल्दी जल्दी विद्यालय पहुँचाया जाए। बाकी और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे अच्छे पंडितों में हमारे बहुत सारे भाई थे आत्महत्या कर दिया, ये पीड़ा जो हम लोग 4 साल से जो पीड़ा ये दर्द जो हम लोग सहे हैं ये दर्द अगर जो सहा होगा आज योगी जी के जब चारों तरफ चर्चाया हो रहा होगा 69,000 में घोटाला आज इस समय जिस तरह से योगी महाराज पीड़ा में दर्द में होंगे ना तो हमारे साथ कैसा ही कलंक लग रहा है। हम लोग 4 साल ऐसे कलंक को पीता है, 4 साल तक में हम लोग अपने घर पर यही सोचते रहे कि तुम लोग कोई परीक्षा नहीं निकाले हो, तुम लोग फर्जी बाड़ा हो और तुम लोग को ये सरकार जिंदगी में कोई नहीं देगी।
बाबा जी आप सभी कलंक हैं, हमारे भी कलंक, आप अपने कलंक से इस कलंक को धुलने का प्रयास करें। जय हिंद। हे यीशु, आओ। बहुत सारे लोग रास्ते में, सबसे बात हो चुकी, सारे बच्चे आ रहे हैं, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, लोगों का मुख्यमंत्री माननीय जी भी आए हैं, अधिकारी जो है वो बदनाम कर रहे हैं, अधिकारी क्यों नहीं बोल रहे चलाना है, उन अधिकारी को चलाना चाहिए, हमारे पास कुछ महिला है, अगर हम लोग ऐसी मैम आप लोग होती है तब तक हम यहाँ रहेंगे, आप भी कोई अधिकारी नहीं सुनो क्या कह रहे हैं, उसमें जो भी जिसको सरकार किया जा रहा है अधिकारी द्वारा, सर हमें मतलब कि दो साल पहले भी यकीन पर था कि आदेश आया है लेकिन उसका पालन कहाँ हुआ, काशी मतलब हम लोगों के पाँच जनवरी 2022 को बैठक लिस्ट तो आ गई लेकिन जिला आवंटन में, तो हम लोगों को दो साल ऐसे ही सड़कों को भटकाया गया, हर मंत्री मतलब कि हर जगह गए लेकिन फिर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला, इस बार हम लोग हाईकोर्ट का मतलब वो तो आ गया लेकिन 3 महीने का समय दिया गया, लेकिन 3 महीने का समय तो दिया गया लेकिन उसको अंदर ही लोगों को करना है, लेकिन हमको ये क्या भरोसा है कि लोग कर ही देंगे 3 महीने के अंदर, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोगों का काउंटिंग शेड्यूल जारी किया जाए लिखित में, तो हम लोग बस विद्यालय अपने बच्चे हम सीखे। मैम आप कहाँ से आई हूँ क्या? मैं बस्ती से आई हूँ, मेरा नाम है, लेकिन सर हमें इन अधिकारियों पे भरोसा, योगी जी ने तो आदेश दे दिया लेकिन इन अधिकारियों और सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया लेकिन इन अधिकारियों पे हमें एक पैसे का भी भरोसा नहीं, क्योंकि पिछली बार 5 जनवरी 2022 को एक साल से धरना, 1.5 साल धरना किया, उसके बाद ये लिस्ट आई 5 जनवरी 2022 को 6800 की, इस 6800 की लिस्ट में जो है हमारे OBC SC के वो भाई थे और उसमें विकलांग भी, उसमें इन्होंने उसकी नियुक्ति नहीं की, गोल पटोल घुमाते रहे, 3 महीने का समय कहा कि हम कर देंगे उसको ले जा करके सर सिंगल बेंच ले जा करके फंसा दिया, सिंगल बेंच से फिर आर्डर आया, इन्होंने रिवाइज लिस्ट को रिवाइज नहीं किया, उसके बाद ये डबल बेंच ले जा करके फंसा दिए, और डबल बेंच ले जा करके आप डबल बेंच का भी आदेश आया है, हम ये इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि ये उनका उनके आदेश का पालन करें, हाउसिंग शेड्यूल जारी करें, तो ये कंप्यूटराइज जमाना है, ये लिखित जमाना नहीं रह गया, कंप्यूटर का जमाना है, 3 घंटे में ये काउंसलिंग शेड्यूल और सारी लिस्ट रिवाइज करके दे सकते हैं, और उस अधिकारी का भी नाम बताएं जो अधिकारी इसलिए जो है बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन करके हम लोगों के साथ जो है जाति की है। कि आप लोगों ने 69 शिक्षक भर्ती का सुना ही होगा, आरक्षण घोटाला पिछले 6 साल पहले, हम पिछड़े दलितों को न्याय मिल जाना चाहिए था जो नहीं मिला, हम लोग पिछले 6 साल से धरना दे रहे थे, हमारी लिस्ट आई, सिंगल बेंच से क्यूएस करवा दिया गया, लेकिन अब डबल बेंच का आर्डर है जो हमारे पक्ष में है, जिसका स्वागत सबने किया, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, सबने किया, तो माननीय योगी जी ने अब तो मीटिंग भी किया और अधिकारियों को आदेश भी दिया कि अब हमारे साथ जो अन्याय हुआ था उसको जल्द से जल्द न्याय बदला जाए, तो हम लोग इसी उम्मीद से यहाँ पे आए हैं कि अब हम लोग जल्द से जल्द काउंसलिंग शेड्यूल जारी की जाए और जल्द से जल्द हमें बेसिक में पहुँचा जाए, क्योंकि पिछले 6 साल पहले हमें बेसिक में हो जाना चाहिए था लेकिन हम यहाँ लखनऊ की सड़कों पे घसीटे जा रहे थे, हम लोग यहाँ के ऐसे ये भी नेता मंत्री विधायक नहीं होंगे जिनके दरवाजे पे ना गए हों और यहाँ से ठोकर मार के ना भगाए गए हों, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोटें भी आई, हमारे कितने भाई अपने जान भी गंवा दिए, डिप्रेशन में आके कोई सुसाइड कर लिया, कोई हार्ट अटैक न्याय सबको मिलेगा, न्याय किसी के साथ नहीं होगा, दूसरी चीज ये है कि सरकार ने अपना साफ शुरू कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अब किस चीज का आप लोगों को डर है? सर डर हमें इसलिए है कि पहले भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश तो दिया था, बैठक किया था, हमारे 5 भाइयों को प्रतिनिधि बुलाया भी था जिसने 6800 की लिस्ट भी उनके ट्वीट करने के बाद 6800 की लिस्ट आई थी, लेकिन क्या हुआ हमारे साथ तो छलावा ही है, आश्वासन ही हुआ, पिछले 6 साल से 2.5 साल से लिस्ट आई है, घोटाला तो 2019 में हुआ लेकिन लिस्ट आई 22 में, वो लिस्ट भी केस करवा दी गई, हमें विद्यालय में होना चाहिए था लेकिन हम तो सड़कों पर ही भटक रहे हैं, तो अब हम लोग केवल आश्वासन पे नहीं उठेंगे यहाँ से, हम लोग इसी विश्वास से आए हैं कि जब तक लिखित रूप में काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हो जाएगी हम सभी भाई बहन यहीं बैठे रहेंगे, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, भूखे प्यासे यहीं बैठे रहेंगे, जब तक रिटर्न रूप में इन्होंने ये लोग बेसिक अधिकारी लेटर नहीं जारी कर देंगे तब तक बिल्कुल हम यहाँ से नहीं उठेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है, चाहे हम यहाँ पे बैठे बैठे मर जाए,
लेकिन इस बार हम लोग किसी कोरे आश्वासन पे किसी छलावा में नहीं आए। 69,000 शिक्षक जो कोर्ट के आदेश के बाद आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कराया जाए, नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, महिला जो अपने हाथों में तख्ती लेके बैठी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आज आप लोग बैठी हैं धरने पर, क्या कहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा शेड्यूल जारी हो, हमें नियुक्ति पत्र दें। हमको दर दर भटकते हुए 4 साल हो गए, 6 साल हो गए बैठे बैठे, अब हम लोगों का दर्द खत्म होना चाहिए और हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। जो शिक्षक हैं, जो 69,000 शिक्षक, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए, हमें नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए, हम 4 सालों से भटक रहे हैं करीब, लेकिन अधिकारी हैं जो बाबा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तमाम ऐसी हम महिलाएं और हमारे साथ, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, लगातार जो महिलाएं हैं प्रदर्शन पर बैठी हैं। मैम कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी नहीं सुने, क्या कहें? प्यास लग रही है सर जी, प्यास लगी, पानी पीने देंगे? देखिए ये अपने ही हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं और इनको प्यास लग गई है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं हम बात करने के। आप लगातार 4 सालों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कोर्ट के आदेश के बाद भी आप लोगों को ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा है, क्या ऐसी वजह रही? देखिए इसमें प्रदर्शन करने का मेन कारण है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, ये पिछड़े दलितों की आवाज़ सुनने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है, इसलिए हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। पिछले 4 सालों से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हमने 2 साल धरना दिया था, तब हमारी 6800 की एक लिस्ट आई थी जिसे सिंगल बेंच में जाकर के इन अधिकारियों ने फंसा दिया था, और उसके बाद फिर धरना दिए और 640 दिन उसके बाद में लगातार धरना देने के बाद ये फिर हाई कोर्ट से डबल बेंच से हम लोगों के लिए नियुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है, और उसमें कहा गया है कि इन सभी सूची रद्द करके नई सिरे से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सूची बनाई जाए, लेकिन अभी भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए तमाम शिक्षक हैं जो अपने छोटे बच्चों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो प्रदर्शन कर रही हैं, जो सरकार के पक्ष में, जो कोर्ट के आदेश के आने के बाद लगातार ये। मैम आप कहाँ से आई हैं? मासूम बच्चा, छोटा बच्चा लेकर। मैं मेठी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और अपना हक अधिकार लेने आई हूँ, क्योंकि हम लोग 4 साल से रोड पर लाठियाँ खा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनको कुछ दिख नहीं रहा है, वो समझ रहे हैं कि हमारे समाज की बहन बेटियाँ नहीं हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं समाज बहन बेटियाँ हैं। अब हमको नियुक्ति दें और न्याय दें, हमको हमारे विद्यालय भेज दें, क्योंकि हम छोटे बच्चे साथ अपने संघर्ष बहुत कर लिए हैं, करना तो नहीं चाह रहे, लेकिन 5 महीने का हमारा बेटा जिसको लेकर हमें मजबूरी में संघर्ष करना पड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों मंत्रियों के साथ बैठक की है? बैठक तो उन्हें करी है, लॉलीपॉप तो पिछली बार भी मुझे मिल गया था। जब तक हमारे सामने शेड्यूल नहीं आ जाता, हमें कमाई काउंसलिंग की डेट नहीं जाती, हम कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने सब देख लिया है, अब नहीं पीछे हटने वाले हैं, नियुक्ति लेके ही जाएंगे। बाबू आप, मैम आप कहाँ से आई हैं और कितने दिनों से धरने लगातार 4 साल से हो रहा, आप लोग यहाँ सुबह से बैठी, कोर्ट का आदेश भी आ गया उसके बाद भी आप लोग धरने पर बैठी, क्या सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? अरे सरकार से क्या उम्मीद, कहते कुछ है लेकिन, कहते तो बहुत कुछ है लेकिन उसको इसमें करके नहीं दिखाते। कहा तो इन्होंने 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट जारी भी की थी, 3 दिन के अंदर कहा था नियुक्ति पत्र दे, लेकिन आज से 2.5 साल हो रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग इसी तरह दर बदर लाठी चार्ज कर रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस हमारी सरकार से यही मांग है, हमारे यही मांग है कि हम लोगों को बस बहुत हर चीज़ की समय सीमा होती है, अब इसको बंद करके बस हमें हमारे स्कूल में पहुँचा दिया जाए, बस हमारी एक यही मांग है। ये छोटा बच्चा हाथों में तख्ती योगी आदित्यनाथ जी को, अब देख सकते हैं लगातार जो महिला हैं वो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही हैं राजधानी लखनऊ के, जो लगातार 4 सालों से इन लोगों का कहना है, हम लोग 4 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार और उनके अधिकारी हम लोगों की नहीं सुन रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इन लोगों को कब नियुक्ति पत्र मिलता है। शिक्षक लगातार धरने पर बैठी हैं, आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आप लोगों को धरने पर बैठा पड़ा है, क्या ऐसी मजबूरी है? सर मजबूरी यही है कि हमें इन जो अधिकारी हैं बेसिक के, हमको इन पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी यही किया था, लिस्ट तो निकाल दी थी लेकिन उसके बाद आज तक इन्होंने नियुक्ति नहीं दी, हमको सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसी वजह से हम यहाँ आए कि जब तक मेरा काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे। मैम आप कहाँ से आई हैं धरने पे? सर मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, माधुरी पटेल। हम लोग भी आए हैं कि हमारी काउंसलिंग शेड्यूल जारी की जाए और हमको न्याय दिया जाए, त्वरित ही हम लोगों की काउंसलिंग शेड्यूल जारी की जाए और नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि अधिकारी हीला हवाली से कुछ भी करते नहीं हैं। जी सर।
मैम आप कहाँ से आई? मैं सुल्तानपुर से आई हूँ, रीना यादव। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अब किस बात की देरी है? अब तक तो हम लोग चिल्लाते रहे कि हमें न्याय दो, हमारे पास आयोग की रिपोर्ट थी, हम लोग चिल्लाते रहे, पूरा घोटाला साबित हो गया। सरकार ने मान भी लिया कि हाँ इनके साथ घोटाला हुआ है, 6800 की लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन फिर भी हमें लटकाया गया, कोर्ट में फंसाया गया, घसीटा गया, हमें मारा पीटा गया, सब कुछ किया गया। लेकिन अब तो हमारे पास डबल बेंच का ऑर्डर आ गया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि हाँ 69000 पूरी तरह से रद्द करके और नई चयन सूची बना कि इन बच्चों के साथ जो एक नियमावली के तहत आरक्षण के नियमों का पालन करके लिस्ट बनाई जाए। तो अब किस बात की देरी है? अब क्यों मतलब ये हिलावाली कर रहे हैं? हम लोग बस एक ही उम्मीद है सरकार से, एक ही मतलब पूरा विश्वास है कि हम लोगों को यहाँ से नियुक्ति पत्र जारी करके और शेड्यूल जारी करके हम लोगों को यहाँ से खुशी खुशी विद्यालय हमारे पहुँचाया जाए। बाकी हम लोगों को कोई मांग नहीं है। इनके जो मतलब जो इन्होंने गलती की है, जो अवैधों को इन्होंने भरा है, उनके लिए चाहे ये पॉलिसी बनाए, चाहे समय योजन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को हमारा न्याय पूरा दे दें बस। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पर लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।